दोस्तों एंड्रॉयड ओ का तो आप सभी मजा लेना चाहते होंगे, पर आपको किसी कारणवश वो मिल नहीं पाता है क्योंकि अभी एंड्रॉयड ओ का किसी भी रोम नहीं आया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अपने फ़ोन को एंड्रॉयड ओ जैसा कैसा दिखता बना सकते होंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ, ये है फिलहाल मेरा डिवाइस जो देख सकते हैं दोस्तों, ये एंड्रॉयड ओ की तरह है। तो जानते हैं एंड्रॉयड ओ अपने आप अपने डिवाइस को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं चेंज करना बताऊंगा एंड्रॉयड ओ जैसा नैव बार, थीम और नोटिफिकेशन पैनल। तो दोस्तों बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं थिंक अबाउट टेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते होंगे हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे आ गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले अपना एंड्रॉयड वर्जन चेक करके दिखा देता हूँ। ये है मेरे एंड्रॉयड वर्जन, सेटिंग में मैं आ जाता हूँ, आपको एंड्रॉयड वर्जन में दिखा देता हूँ कौन सा है। यहाँ आपको दिखेगा 5.1 जो मेरा लॉलीपॉप एंड्रॉयड वर्ज़न है। और मैं दिखा देता हूँ इसका कोई भी अपडेट फ़िलहाल रोम वॉम नहीं मौजूद है। तो दोस्तों ये है 7 फाइलें जिसका आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम बात करेंगे नेव बार की, नेविगेशन बार। तो दोस्तों पहले मेरी नेविगेशन बार कुछ इस तरीके की थी। तो आपको नेविगेशन बार में जाना है और इसे ऑन कर देना है। तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेंगे, जैसा कि मैं देख सकता हूँ मैं एडजस्ट करता हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करिए अगर आपको एक बेहतरीन डिवाइस चाहिए तो। तो दोस्तों अब जो दूसरी ऐप के बारे में जिस ऐप के बारे में बता रहा हूँ वो है फ्लोटिंग ट्यूब। तो दोस्तों इससे क्या होगा, पहले मैं अपना डेटा ऑन कर देता हूँ। इससे होता क्या है, आपको एंड्रॉयड ओ का जो फैसिलिटी है वो मिलता है। ये एक यूट्यूब है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक यूट्यूब है, मान लीजिए वोट फॉर चेंज। ये देखिए आपको एक चीज़ दिख गया होगा इधर, तो इसे हम अपने होम पे लेके जाएंगे। जैसा कि यहाँ एक नोटिफिकेशन है, तो ये जो है वो फ्लोटिंग ट्यूब है जिससे आप अपने फोन में, अब हम इसे बंद कर देते हैं। और तीसरा फीचर्स की बात करें तो वो वॉलपेपर्स हैं, जो बहुत ही अच्छे वॉलपेपर्स हैं। एक गूगल ऐप है वॉलपेपर नाम का, इसे आपको इंस्टॉल करना है। वॉलपेपर ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से जाके कोई बढ़िया सा गूगल का आपको वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेना है। मैं लैंडस्केप में जाऊंगा, मैं आप सभी को दिखा देता हूं मैं कौन सा सेलेक्ट कर रहा हूं। ये लोडिंग हो गया है और मैं इसे करूंगा सेट वॉलपेपर। तो देख सकते हैं दोस्तों ये वॉलपेपर अब मेरा हो गया है, जो वॉलपेपर है वो। अब हम चौथी बात करें तो नोवा लॉन्चर। दोस्तों इसके बाद मैंने ये नोवा लॉन्चर पूरा सेट कर रहा है, इसकी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ बीच में। नोवा लॉन्चर पर क्लिक करते साथ आप देखेंगे मेरे फ़ोन का लुक। तो नोवा लॉन्चर पर हम आखिरी में चेक करेंगे। अब मटेरियल स्टेटस बार प्रो, इसमें आएंगे हम और इसे प्रो को ऑन कर देंगे। एसिबिलिटी मीडियम मांगेगा, आपको इसे भी ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये इस ऐप में आपको आना है, फिर से कस्टमाइज में 100 बैटरी परसेंटेज स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये नोवा लॉन्चर इसे करना है यूज डार्क आइकन्स, इसे मैंने कर दिया थीम। मैं लॉली फ्लैट में आऊँगा, मैं देखते हैं अब मेरे स्टेटस बार को कैसे काम करता है। ये फ़िलहाल इसमें नहीं काम करेगा। तो दोस्तों अब पांचवी ऐप में आप आएंगे नोवा लॉन्चर में। नोवा लॉन्चर आने के बाद आप देख सकते हैं मेरा एंड्रॉयड ओ जैसा सेटिंग हो गया है। तो जैसे कि मैंने लॉलीपॉप यूज़र्स के लिए एक ऐप है गूगल असिस्टेंट नाम का, उसे भी मैं रखा हूँ फ़िलहाल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फ़ोन की सेटिंग जो आपको करनी है। तो दोस्तों पहले आपको नॉट सेट डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, तो इसे आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर एज अ डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दिख जाएगा डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में सेट करने का, सॉरी गाइस थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ आपको आना है, अब
आपको लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग में आ जाना है। आपसे कुछ सेटिंग ये पहले ही ले लेगा। अब इसे नोवा लॉन्चर पे सेट करना है। नोवा लॉन्चर पे सेट करने के बाद आप देख सकते हैं आपका इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके का होगा। अब मैं बताता हूँ एक और ऐप जो आपको देखने को मिला होगा, पिक्सल आइकन पैक। तो आप सेटिंग खोलें इसका और मेरे स्टेप को फॉलो करें। जो ग्रिड है डेस्कटॉप ग्रिड, उसे 4:5 कर लें, 5:4 जो है, और सब ग्रिड पोजीशन ऑन कर दें। अब आइकन लेआउट की बात करें तो आइकन लेआउट कुछ साइज़ जो है ये रहेगी, 100% विजिबिलिटी और नॉर्मल। ये आपको जिस साइज़ का चाहिए आप उस साइज का सेलेक्ट कर सकते हैं। शैडो भी यहाँ मैंने ऑन रखा है सिंगल लाइन। और अब चौथी चीज़, आपको इफेक्ट लुक एंड फील में आना है। और मैंने एक UI के बारे में बताया, पिक्सल आइकन पैक के बारे में, तो पिक्सल आइकन पैक सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको कुछ, मेरा फ़ोन गूगल पिक्सल की तरह लग गया होगा। इधर आपको दोस्तों इस तरीका का इंटरफेस नहीं जो दिखेगा, इस तरीके का इंटरफेस अगर नहीं दिखेगा तो इस पर लॉन्ग प्रेस करें इस इंटरफेस पे, नहीं तो आएँ विजेट्स में आ जाएं और इधर गूगल ड्रैग करके इधर कर लें, सबसे ऊपर कर लें और इसे कर लें पेंडिंग ऐप इम्प्रूव रिसाइज। तो इसे मैंने रिमूव कर दिया। अगर आपको ये सेटिंग चाहिए तो मैंने लॉन्चर के बारे में, बेसिक लॉन्चर के बारे में बताया हुआ है, नहीं तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। मैंने ये तो नोटिफिकेशन बैजेस आपको लगाने हैं ऊपर के साइड स्मॉल में, लार्ज लगाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही लार्ज हो जाएगा। मीडियम आप लगा सकते हैं। मीडियम लगाने के बाद डायनेमिक बैजेस आपको सेलेक्ट करना है। अब इसे बैक कर लेना है। अब दोस्तों आपका फ़ोन जो है एकदम गूगल वो बन गया है एंड्रॉयड ओ। अब बात करें असिस्टेंट की, अगर आप लॉलीपॉप यूज़र हैं तो इस ऐप को मैंने नीचे लिंक में दिया है तो उसे ले लें, टॉक योर गूगल। तो मैं बात करूंगा गूगल से। हेलो, व्हाट इज़ माय नेम? योर नेम इज़ रिएक्शन। तो दोस्तों मैं लॉलीपॉप यूज़र हूँ, तब भी मैं गूगल असिस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ। फ़िलहाल आपको देख सकते होंगे गूगल असिस्टेंट बहुत ही मामूली बात नहीं है लॉलीपॉप में यूज़ करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऊपर मैं एक पोल चला रहा हूँ, अगर आपको आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो वहाँ जाके वोट कर सकते हैं आप लोग। और दोस्तों मैं गूगल असिस्टेंट, अगर आप मार्शमेलो यूज़र हैं तो उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।